मेरे ब्लॉग आप सभी को मेरे ब्लॉग पे दिल से स्वागत है। आज मैं इंडिया गेट का ब्लॉग बनाने वाली हूँ। आज हम आए हैं इंडिया गेट और यहाँ पर मैं पहली बार आ रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि पहली बार एक जगह पे जाने का मज़ा ही कुछ अलग है। यहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, इसलिए मैं हबी के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो गाइस, पहली बार कोई मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी प्लीज़ मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पता है कि वीडियो थोड़ा लंबा है, फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पूरा देख सके। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर जो पानी वाला सीन है ना, ये मैंने बहुत बार देखा है दूसरों को फ़ोटो क्लिक करते हुए, और यहाँ से मैंने शॉर्ट्स भी बहुत ज़्यादा देखा है। तो आज मैं रियल में देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी चलते हैं अंदर की तरफ। वाली थी, रोड को पूरा खाली कर दिया गया, बोला गया कि उस टाइम के लिए रोड खाली करने के लिए। उसका रीज़न मुझे पता नहीं है एक्चुअली। सो अभी मैं बाहर पार्क पे हूँ, रोड खोलेगा कुछ टाइम बाद, तब दिखाती हूँ आप सबको। इधर बेबी पापा के साथ आराम से बैठी है पार्क पे, और मैं थोड़ा बहुत बाहर जाके रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि बेबी और पापा दोनों ही बहुत थक गए हैं, क्योंकि हम लोटस टेम्पल से डायरेक्ट इधर आ रहे हैं, इसीलिए वो लोग यहाँ पर थोड़ा बैठ के रेस्ट कर रहे हैं। और दूसरे लोग भी बहुत सारे आए हैं और यहाँ पर बैठ बैठ के रेस्ट कर रहे हैं। बस एक बात मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा आज का दिन, क्योंकि थोड़ा बारिश हुआ था। बारिश के कारण ना मिट्टी थोड़ा गीला गीला हो गया था, इसलिए थोड़ा चिपचिपा फील हो रहा था। तो मैं तो बिल्कुल बैठ नहीं पाई, और दूसरे लोग यहाँ पर चादर ऐसे बिछा के बैठे हैं। यहाँ का ना मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि कुछ लोग ना खड़े खड़े भाग रहे थे, और पता नहीं किस लिए भाग रहे थे वो मुझे पता नहीं। मुझे लगता है कोई PM वगैरह आ गया है तो उनको देखने के लिए भाग रहे हैं। और मैं भी उन लोगों को बस देखती रही क्या हो रहा है बोल के। और आप सब देखो यहाँ पर कितने लोग जमे हुए हैं। टाइम के साथ साथ समय भी ढलता जा रहा है और रात होने वाला है, और इंडिया गेट पर लाइट जल चुका है, और आप सभी देख ही सकते हो कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाने लगा है हर तरफ। और अभी रोड खुल गया है तो हम रोड के ऊपर चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं।
यहाँ पर आप में से जो लोग यहाँ पर आए हो उन लोगों ने तो अच्छे से दिखा होगा, और जो लोग नहीं आए हो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर नज़दीक से दिखाती हूँ ये कैसे दिखता है, क्योंकि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी घर पर बैठे देख सको। रात का, सो यहाँ पर पूरा रात हो चुका है। मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को, मैं एक दिन में डे और नाइट व्यू दोनों देख पाई और आप सबको भी दिखा पाई। यहाँ पर कुछ टाइम बाद ये इसका कलर चेंज होता रहता है और मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है नज़दीक से। और यहाँ पे काफ़ी लोग फ़ोटोज़ खींच रहे हैं और हम भी खींचने वाले हैं, हमने खींचा नहीं है अभी तक, हम लास्ट में खींचेंगे। फाइनली मैं एग्जिट डोर की तरफ आ गई हूँ, मेरा घूमना हो गया है कंप्लीट और अभी मैं जा रही हूँ। यहाँ पर ना ये जितने भी चीज़ें दिखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे कुछ लोग पेंटिंग भी करते हैं। और उसके बाद हम आए बाहर खाने के लिए, खाना खा के हम गए होटल। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय।